सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कहां ले जाना चाहते हैं, ये उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्माण करेगा। और मुझे लगता है कि जिस दिन भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, अपने अधिकारों को गौण करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएगा, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ये हर भारतवासी का दायित्व बनता है जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम देश प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन को, आयुष पद्धति को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे यहां पर 393 होमपैथ से जुड़े हुए फार्मासिस्ट को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इससे पहले आयुर्वेद से जुड़े हुए पैरामेडिक्स को भी हम लोगों ने इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए थे। अन्य विधाओं के प्रति भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए उन लोगों को, जिनकी डिग्री अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर मान्य नहीं होती थी, उसको मान्य करने के लिए भी एक नए कदम को आगे बढ़ाया है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये विधिवत तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उन डिग्रियों को मान्य करें जो किसी मान्यता प्राप्त शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, उसको हम प्रदेश के अंदर भी मान्य करेंगे। और उस प्रकार की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उत्तर प्रदेश शासन भी अपने यहां से आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से या डायरेक्टरेट के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित होंगे, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र में लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कार्यक्रम को, उस प्रकार के सेंटर का संचालन कर सके और ट्रेन मैन पावर उन्हें उपलब्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी दृष्टि आज हम सब आपके बीच में आए हैं आपसे बताने के लिए कि इस दिशा में हमें भी अपने प्रयास को, जो जिस क्षेत्र में है उसको, उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा।